अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों कैसे हैं आप उम्मीद करता हूँ आज जहाँ भी होंगे सब खैर खरीत से होंगे तो प्यारे प्यारे दोस्तों आज की छोटी सी वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ यह मसला आपके साथ भी पेश आ सकता है लिहाजा आप ये वीडियो देख लें तो इंशाल्लाह आपका मसला ये हल हो जाएगा चूँकि मैंने यूट्यूब पर काफ़ी सारी सर्च की है लेकिन इस बारे में मुझे कोई भी वीडियो जो है वो यूट्यूब पर नहीं मिली तो मैंने सोचा कि आपको मैं ये इन्फॉर्मेशन जो है आपके साथ शेयर कर दूँ वैसे भी एक दोस्त है मेरा उसने मुझे व्हाट्सअप पर बताया कि भाई जो फोर सर्वर रिसीवर है ना उसमें एम जी केम लैंड जो है वो सेव नहीं होती जबकि के सी सी कैम जो है वो सेव हो जाती है और ये भी नहीं पता चलता कि किस सर्वर पर हमने एम जी केम को सेव करना है तो नहाय ही आसान तरीका है वीडियो पूरी देखिएगा इन आज की इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि आपने अपने फोर एवर सर्वर रिसीवर में एम जी के एम को कैसे ऐड करना है तो शुरू करते हैं वीडियो आज की बिना तखीर के बिना टाइम ज़ाया किए तो दोस्तों वीडियो पर जाने से पहले आपसे वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन पर ओके कर ले ताकि मैं कोई भी वीडियो डिस से रिलेटेड यूट्यूब पर अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए तो चलते हैं आज की वीडियो पर और देखते हैं कि फॉर एवर सर्वर रिसीवर में एम जी को कैसे ऐड किया जाता है जी तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये न्यू सेट का रिसीवर है एन एस ये देखें आपके सामने है ट्वेंटी प्लस तो कोई भी फोर एवर सर्वर रिसीवर होगा तो इसका प्रोसीजर जो है वो एक ही तरह का होगा यहाँ पर हम सबसे पहले नेटवर्क सेटिंग में जाएंगे सेटिंग में जाने के बाद हमने जाना है वायरलेस सेटिंग में यहाँ से आपने इंटरनेट को कनेक्ट कर लेना है नीचे सर्च एक्सेस में यहाँ से आपने रेड बटन से इसको रिफ़्रेश कर लेना है तो आपके सामने आपका हॉटस्पॉट जो है वो यहाँ पर शो हो जाएगा तो आपने पासवर्ड वगैरह लगा कर इसको कनेक्ट कर लेना है अभी मैं आपको दिखा देता हूँ करके भी तो यहाँ से पहले आपको चेक करवा दो ये देखें डिसकनेक्टेड है जैसे ही हम इसमें इंटरनेट को कनेक्ट करेंगे यहाँ से ये देख लें आपके सामने कनेक्टेड है तो फिर मैं आपको सी लाइन भी चेक करवा देता हूँ वो पिछली वीडियो में आपको मुकम्मल का दिखाया सी लाइन का तो सेम तरीका एक है तकरीबन तो ये देखें आपके सामने यहाँ पर कनेक्टेड लिखा हुआ है एक नंबर का सर्वर है ये देखें सी सी कैम लिखा हुआ है ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है ऐसे ही हम इसमें इस कुछ भी ऑप्शन पर जो है ना वो एम जी के एम को या सी सी कैम को लगा सकते हैं वो आपको मैं तरीका का दिखाने लगाऊँ कि आप जब भी इस पर एम जी के में क्लिक करेंगे ना जाकर तो आपके सामने ये जो देखें आपके सामने जो है ना ये झटके से लगेंगे इसको रिसीवर को तो इसमें ऐड कोई चीज़ भी नहीं होगी ये देखें आपके सामने स्क्रीन ऐसे ऐसे करने लग जाएगी ये देखें बिलिंग करती है आपके सामने तो इसमें ऐड कुछ भी नहीं हो रहा इसी का हल मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपने रिमोट से ग्रीन बटन दबाना ये देखें डिसेबल सर्वर लिखा है पहले यहाँ पर इनेबल था ये देखें तो आपने इसको डिसेबल कर लेना है तो ऊपर आप ये देखें इसमें एंटर हो सकते हैं तो यहाँ पर हम मिसाल के तौर पर कोई भी सर्वर जो आपके पास है यहाँ पर आपने ऐड कर लेना है इसको ऐसे ऐड करने के बाद आपने रिमोट से रेड बटन को दबा लेना ये देखें तो नीचे आ जाना है यहाँ पर आपने पोर्ट लिखनी है जो भी पोर्ट आपके पास हो ये देखें पाँच हिस्सों में आपके पास पोर्ट होगी वो आपने यहाँ पर ऐड कर देनी है डी स्की को आपने छोड़ देना है नीचे आपने आ जाना है यूज़र नेम पर जो आपके पास यूज़र नेम होगा ना वो हिन्सों में भी हो सकता है गिनती में भी हो सकता है इंग्लिश के अल्फाज में भी हो सकता है जो भी हो जैसा भी हो आपने वैसे लिखना तो नीचे आपने इसमें पासवर्ड ऐड कर देना है जो भी आपके पास हो तो ऐड करने के बाद आपने रेड बटन जो अपने रिमोट से प्रेस कर देना है तो यहाँ पर जैसे ही आप रेड बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली कनेक्टेड लिखा आ जाएगा मेरे पास जी एम एम जी के एम का जो सर्वर है वो नहीं था इस वजह से मैंने मसाली तौर पर आपको समझा दिया है तो उम्मीद है आपको समझ भी आ गई होगी तो ये देखें यहाँ पर फोर एवर सर्वर होता है तो यही थी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ अस्सलामुअलैकुम